सत श्री अकाल जी, ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ प्राप्त सिद्धू। कांग्रेस हरियाणा दे विच हार गई, एक वड्डी हार हुई। हालांकि सर्वे ने जिहड़े ओ बड़ा होर कुछ दर्शा रहे सन, पर बावजूद दसदे कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस वालों अज दिल्ली दे विच मंथन किया गया। कांग्रेस के वड्डे लीडर इकट्ठे हुए दिल्ली दे विच, सोचन समझन की कोशिश की गई कि आखिरकार हरियाणा दे विच कांग्रेस की इन्नी वड्डी हार क्यों हुई है। सो विचार चर्चा तो बाद गल यह भी बाहर आई कि शायद कांग्रेस इस लई लड़ाई लड़ सकती है, शायद कांग्रेस चोन कमीशन या फिर कोर्ट दे विच जा सकती है, जिथे जाके पटीशना पै सकती ने इस बाबत कि हरियाणा दे विच चोणा दोबारा करवाइया जाण। इस दे उपर भाजपा लीडर अनिल विच जो कि वड्डा चेहरा ने, उन्हां वल्लों अपनी प्रतिक्रिया दित्ती गई है। उन्हां दा कहना है कि कांग्रेस नूं एक हजम करना औखा है कि कांग्रेस हार चुकी है हरियाणा दे विच। नाल इन्हां विच उन्हां दा यह भी कहना है कि जिवें मर्जी हजम करो पर तुहानूं हुण करना पैणा है। इस तों इलावा मुख्यमंत्री अहुदे की गल करिए तां उन्होंने यह भी कहा कि जेकर हाईकमांड फैसला लैंदी है तां मैं मुख्यमंत्री बनण दे लई पूरी तरह तैयार हाँ, तो मैं नंबर वन सूबा जिहड़ा उह हरियाणा नूं बना देवांगा। सो सीधे तौर पर वार वार अनिल विज ने जिहड़े ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखिए, अब वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं हम में अलग अलग होती है। जैसे भी करना वो करें, हार तो हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मीटिंग कर रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इसको हम इलेक्शन को दोबारा कराने की कोशिश, इलेक्शन को दोबारा कराने की कोशिश करेंगे कि चुनाव ऐसा है। जो कोशिशें बनती हैं वो कर लें और इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद दिनों में बनने जा रही है। अम्बाला की बात हम करें तो अम्बाला में किस तरह का माहौल रहेगा, क्या कुछ काम ऐसा पेंडिंग है जिसको लेकर अब शुरुआत करनी है? देखिए, ऐसा है, काम तो कभी खत्म नहीं होता, काम तो चलते रहते हैं। कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बन गया था, ये मूर्ख हैं। अब उनके बुद्धि का ज्ञान का कैप्सूल कोई होगा तो मैं लाऊंगा। हमने तो कल से ही, परसों जीते हैं, कल से ही विकास कार्यों की, नए काम क्या होने हैं, सारों के बार काम शुरू कर दिया। क्योंकि 7 बार तो मैं जीत चुका, 8वीं बार जीतने की तैयारी मैंने कल से शुरू कर दी। कल मैं शहीदी स्मारक देखकर आया हूं और सबको कहा है कि पूरी गति के साथ अब आप इसमें काम शुरू करो। जल्दी ही एयरपोर्ट से जहाज भी उड़ाने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि दिवाली से पहले पहले जहाज उड़ाओ इसमें। बाकी भी सारे कामों को हम देख रहे हैं। डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम आ रहा है, जबकि सीएम की बात चल रही थी, सीएम की पार्टी। देखिए, मेरी कोई किसी के साथ बात नहीं चल रही है, कोई किसी के साथ बात नहीं चल रही है। जब कोई करेगा तो बात करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, अपनी भी बातें कहेंगे। अहम जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है आपको, अहम जिम्मेदारी मिलेगी? मैं हम तो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, सारे इलेक्शन में निभाई है हमने। सारे चित हो गए थे कि डाउन चले गए, मैंने मोरल बूस्ट करके रखा सारों का। मैंने ही कह के रखा पहले दिन से कि अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और मैंने हर मुकाम पे ये बात की, चुनाव शुरू होने पर भी की, बीच में जब सब डिप हो गए थे, इंटरनल सर्वे कुछ ऐसे आए थे, पार्टियों के सर्वे ऐसे आए थे, तब भी मैंने कंसोल किया कि नहीं, अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी मैंने उनको नकारा, मैंने कहा नहीं ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जिस दिन रुझान आए और कांग्रेस का
हेड ऑफिस बंगड़ों से, ढोलों से, बैंडों से, रथों से भरा पड़ा था, वो सारे वापस चले गए। मैंने सवेरे कह दिया था कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, हम जनता के नवज जानते हैं, मैं भी राजनीतिक पंडित हूँ और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। मैंने कभी दावा करने की बात नहीं की, मैं कहीं दावा नहीं करूंगा। हाँ, अगर हाई कमांड मुझे बनाने का निर्णय करती है तो मैं हरियाणा को देश की नंबर वन प्रदेश बना दूं। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच, रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।